आपको एक रूम बनाना बता रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या करा, ये डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया। तो इसकी चौड़ाई रखी मैंने ये 11 इंच। मतलब आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यदि छोटा बनाना हो तो इसको ही कम कर सकते हैं। जैसे मैं 9 इंच के हिसाब से 10 इंच के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं 11 1 इंच साइड में सिल वो फोल्ड का रखूँगी। और इसकी लंबाई मेरे को चाहिए 36 इंच। तो मैंने ये 37 पे निशान लगाया है, तो 1 इंच फोल्ड हो जाएगा, है ना। अब ये डबल फोल्ड कपड़ा करने के बाद अब इसके कंधे लेंगे 13, तो ये मैं लूँगी 5 इंच। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मैं लूँगी 5 इंच। और आर्म होल के लिए लगाऊंगी मैं 10 इंच पे निशान। ये देखिए, ये मैं लगा रही हूँ 10 इंच पे। इसका एक स्क्वायर बना देंगे। देखिए, ये यहाँ से यहाँ 5 इंच और ये 10 इंच, और यहाँ से लेंगे अपन 3.5-4 इंच के करीब। ये देखिए 3.5 इंच निशान लगा के यहाँ पर ऐसे गोलाई का निशान। ये ऐसे करके और फिर सीधे ऐसे ही कटिंग करके ऐसा कट कर लें। कटिंग कर ली है और यहाँ से मैं 11 इंच पे सॉरी 12 इंच पे मैं ये निशान लगाऊंगी ऐसा, है ना। तो वो ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ से मैं पॉकेट लगाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो निशान है ना, इस निशान पे ये मैंने पॉकेट काटा है। तो ये पॉकेट की मैंने लंबाई ली है 9 इंच और चौड़ाई ली है 8 इंच। तो लंबाई चौड़ाई फिर से बोलो। ये देखें, ये मैं यहाँ पर पॉकेट लगाऊंगी। तो ये मैंने इसकी लंबाई ली है 9 इंच और चौड़ाई ली है 8 इंच। तो ये यहाँ से ये फोल्ड करके ये इस तरीके से ये इस यहाँ मैं एक पॉकेट लगा दूँगी। और ये जब इसकी कटिंग हो जाती है तो इसको बिल्कुल ऐसा बारीक से ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए पूरी ऐसी सिलाई अपन शुरू करेंगे। तो ये चारों तरफ अपने को यहाँ से यहाँ तक ये इसमें सब में ऐसी ओट के सिलाई दे देंगे। सिलाई देके फिर ऐसे पॉकेट लगाएंगे। उसके बाद है ना पट्टी है काटे की, तो दो पट्टी तो मैं ये देखिए 2 पट्टी तो मैं 30-30 इंच की काटूंगी। ये देखें, ये इसकी लंबाई रहेगी 30 इंच, ये 30 इंच, और चौड़ाई काटूंगी मैं इसकी 1.5 इंच के लगभग। ये देखिए, ये ऐसी 1.5 इंच चौड़ी ऐसी 2 पट्टी काटूंगी मैं 30-30 इंच की, और 1 पट्टी मैं काटूंगी 21 इंच की। ये देखिए, 1 पट्टी मैं काटूंगी 21 इंच की यहाँ से, और इसकी चौड़ाई भी मैं रखूंगी 1.5 इंच। इसकी चौड़ाई भी मैं 1.5 इंच रखूंगी। तो मेरे कपड़ा ऐसा है तो मैं 2 पट्टी इधर से निकाल लूँगी और 1 पट्टी इधर से निकाल। ये देखिए, ये 2 तो 30 इंच की हो गई, 21 इंच की हो गई। अब इनको क्या करना है, ये ऐसे फोल्ड करके ये देखें, ये इस तरीके से ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से ये तीनों पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखें, तो उसके बाद फिर ये जो छोटी पट्टी रहेगी उसको अपन ये जो सिला है अपन ने कला इसके ऊपर ऐसे अटैच कर देंगे, ऐसी सिलाई लगा देंगे। इसको फोल्ड करने के बाद इसको इससे अटैच कर देंगे और ये जो बड़ी पट्टियाँ हैं इनको इस पे लगा देंगे, इस एक इधर और एक इधर। ये देखें, ये मैंने ये चारों तरफ ऐसी सिलाई लगा दी, ये पॉकेट लगा दिया और ये डोरियाँ लगा दी। ये देखें 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। ये देखें, बहुत ईजी है बनाना। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।